नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म, फाइनल डेट का ऐलान, इस दिन जारी होगी 16वीं किस्त, फिर खाते में आएंगे 2,000 रुपये। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करने की फाइनल डेट घोषित कर दी है। इसके तहत 28 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी 8 करोड़ से ज्यादा किसानों खातों में राशि जारी करेंगे। ध्यान रहे इस किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई केवाईसी के साथ बैंक खाता, आधार से लिंक और भूमि सत्यापन करवा लिया है। जिन किसानों ने ये तीनों काम नहीं किए हैं उन्हें राशि का लाभ नहीं मिलेगा। क्या है पीएम किसान योजना, सालाना मिलते हैं कितने रुपए? आपको बता दें पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर 4 माह में 3 बराबर किस्तों में 2,000 करके सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। किसानों को भारत के नागरिक होना चाहिए। ये पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खातों में भेजा जाता है। पीएम योजना के नियम अनुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। इसी क्रम में अब 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी होने वाली है। इसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खातों में 2,000 रुपये भेजेंगे। हरियाणा में किसानों पुलिस के बीच भारी टकराव, खनौरी बॉर्डर पर तोड़फोड़, लाठीचार्ज, पुलिस चौकी पर पथराव, 40 घायल। आपको बता दें हरियाणा के हिसार में पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया। किसान खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के पास जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया और रासू गैस के गोले छोड़े। ये देख किसानों ने पथराव कर दिया। इस झड़प में 24 पुलिसकर्मी और 16 किसान घायल हो गए। वही हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया। अम्बाला रेंज के IG शिवास कविराज ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले गुरुवार को अम्बाला पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति, कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। किसान आंदोलन का शुक्रवार को 11वां दिन रहा। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने अब दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। अब अमित शाह नहीं, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे साइबर तहसील का लोकार्पण। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह के इंतजार में प्रदेश में करीब 2.5 महीने से साइबर तहसील व्यवस्था का शुभारंभ अटका हुआ है। अब अमित शाह के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को साइबर तहसील व्यवस्था का लोकार्पण करेंगे। दरअसल सरकार ने 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया था। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। भोपाल में होने वाले कार्यक्रम में अमित शाह के हाथों साइबर तहसील का शुभारंभ होना था लेकिन इन वक्त पर उनका भोपाल का दौरा रद्द हो गया और साइबर तहसील व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। इसके बाद 2 फरवरी को उज्जैन में अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में होने वाले कार्यक्रम में साइबर तहसील व्यवस्था लॉन्च करने का निर्णय लिया था लेकिन एक दिन पहले यह कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में 25 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे लेकिन अब उनके स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइबर तहसील का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 29 फरवरी को विकसित मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसी क्रम में साइबर तहसील व्यवस्था का भी लोकार्पण करेंगे। 15 दिन के भीतर क्रेता के पक्ष में नामांतरण, पूरे प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लागू होने के बाद आधुनिक तकनीक के उपयोग में बिना आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन के भीतर क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जाएगा और खसरा नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। MP पुलिस आरक्षक भर्ती का जल्द आएगा रिजल्ट, 923 पद किए जाएंगे होल्ड। आपको बता दें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जल्दी पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। संबंध में जताया जा रहा है कि इसी सप्ताह रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वही ओबीसी आरक्षण के विवाद के बीच ESP द्वारा शुद्धि पत्र शुक्रवार को जारी कर दिया है। अब पदों की मैट्रिक्स को 27% और 13% के अनुसार अपडेट किया गया, यानी अभी 27% को मुख्य भाग मानते हुए परिणाम तैयार किए जा रहे हैं। कोर्ट के अंतिम निर्णय आने के बाद संबंधित वर्ग में रोके गए 13% पदों के परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। आरक्षक भर्ती परीक्षा कुल 7,090 पदों के लिए की गई थी। इसमें 87% भाग में 6,167 पद आए हैं। वही 923 पदों के लिए परिणाम को कोर्ट के निर्णय आने तक होल्ड किया जाएगा। कल से शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला, ओले गिरने की आशंका। आपको बता दें अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से आ रही नमी के कारण प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के जिलों में बादल बने हुए हैं। कई रुक कर वर्षा भी हो रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटों के दौरान शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक दामों में 2 सागर में 0.4, सतना में 0.1, सिंधी में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 24 फरवरी को एक नए पश्चिम विक्षोभ के उत्तर भारत में आने के बाद 25 फरवरी से प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। 26-27 फरवरी को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में कई कई ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है।
छत्तीसगढ़ को आज मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी समर्पित करेंगे 34,427 करोड़ की परियोजनाएं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित द्वारा संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को छत्तीसगढ़ के 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 18,897 करोड़ की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15,530 करोड़ लागत की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से होगा। जून से शुरू हो सकती है एयर एम्बुलेंस सेवा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर विमानन विभाग ने एयर एम्बुलेंस के लिए टेंडर जारी कर दिया है। विमानन विभाग 26 फरवरी तक टेंडर शुरू करेगा, जबकि 27 फरवरी को टेंडर खोले जाएंगे। डॉक्टर यादव द्वारा हाल में ही घोषणा की थी कि प्रदेश के गंभीर मरीजों के बड़े शहरों में अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस चलेगी। सेवा में एक हेलीकॉप्टर और एक सुविधा युक्त एयरक्राफ्ट होगा। विमानन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एयर एम्बुलेंस सेवा की टेटरिंग के लिए 19 फरवरी को एक प्री बोर्ड मीटिंग रखी गई है। एयर एम्बुलेंस के लिए सरकार अनुदान भी देगी। जानकारी के मुताबिक सरकार की योजना इस सेवा को जून तक शुरू करने की है। TET 7 मार्च से आवेदन, परीक्षा जुलाई में। आपको बता दें, शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 के लिए शेड्यूल तैयार हो गया है। पेपम की ओर से ये परीक्षा 21 जुलाई को होगी, जबकि इसके लिए आवेदन 7 मार्च से भर जाएंगे। व्यापम की ओर से परीक्षा व इसके आवेदन से संबंधित शेड्यूल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रतिशिक्षण परिषद को भेजा गया। यहां से सहमति मिलने के बाद आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित तारीख से शुरू हो जाएगी। स्कूलों पहली से पांचवी और छठी से आठवीं में अध्यापन की पात्रता के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का क्वालिफाई के बिना DLED व BA डिग्री वाले भी प्राइमरी मिडिल स्कूल में सहायक शिक्षक के लिए अपात्र माने जाते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब 33,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती होने वाली है। इसमें सहायक शिक्षक शिक्षक समेत अन्य के पद हैं। इससे पहले यहां TET के आयोजन की तैयारी है। पिछली बार वर्ष 2020 में TET हुई थी, तब प्राइमरी व मिडिल की TET के लिए 7,80,000 आवेदन मिले थे, जबकि परीक्षा में करीब 5.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे परीक्षार्थी थे जिन्होंने प्राइमरी व मिडिल दोनों के लिए फॉर्म भरा था। वीडियो को ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।